পার্টির সভাপতি ভবেশ কলিতা ডাঙরিয়া, আমার দলের কার্যকর্তা সকল, বিশেষ সাংসদ, বিধায়ক, জিলা সভাপতি, মন্ডল সভাপতি আর বুথ সভাপতি আর গোটেই সকল কার্যকর্তাকে মই অভিনন্দন জ असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यूं ही जन नेता नहीं बने हैं। भारी बारिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान हेमंत विश्व शर्मा की ओर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए चिंता करते हुए दिखे। लगातार बारिश के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा यहां नहीं टाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भारी बारिश के बीच हो रहा है। और इस समय आप देख सकते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार बारिश में भी यहां पर लोगों की सुविधा का ख्याल रख रहे हैं। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा वो लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और विपक्ष के नेता अमर बाउरी के साथ जमे हुए हैं। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं बारिश में भींग भींग कर किस तरह से कार्यकर्ताओं का वो ख्याल रख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है हेमंत बिस्व शर्मा को यूं ही जन नेता नहीं कहा जाता है। लगातार लोगों से ये हेमंत बिस्व शर्मा से बात करते हैं। सर, भारी बारिश हो रही है लेकिन इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला कम नहीं है। देखिए, बारिश का बावजूद मोदी जी खुद बाई रोड आ रहा है 2 घंटा का सफर लेके, और पूरा बीजेपी कार्यकर्ता बारिश से डूबा हुआ है लेकिन जोश कम नहीं हुआ है। ये जोश नहीं कम हुआ सर, लेकिन बारिश ने खलल डाल दिया। नहीं भाई, बारिश ने तो आपको आशीर्वाद दे दिया ना। बारिश तो भगवान देते हैं ना, तो ये आशीर्वाद होते हैं। सर, कोल्हान एक तरह से हॉट केंद्र बना हुआ है बीजेपी के लिए, क्या संभावनाएं दिख रही हैं सर? पूरे कोल्हान हम लोग जीत रहा हूँ, पूरे कोल्हान। सर, चंपई इधर से चंपई चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, सरीखे, तमाम नेता यहां पर हैं। कोल्हान में इस बार अलग गणित दिखेगा क्योंकि जो 14 सीटें हैं उसमें बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 12 सीट जीतेगा इस बार। इस बार जीतेगी सर। क्या समीकरण है सर? समीकरण तो आप तो हर दिन देख ही रहे हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा एक आम आदमी की तरह यहां पर यूं लग नहीं रहा है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने लगातार झारखंड में वो परिश्रम करके दिखाया है। सर, इस माटी में आप काफी रम बस गए हैं, लग ही नहीं रहा है कि आप असम के मुख्यमंत्री। झारखंड वीरों का भूमि है, यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे ताकत भी मिलेगा ना। यहाँ से ताकत मिल रही है सर? मिल रही है। हेमंत बिस्व शर्मा का करिश्मा है कि लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जब एक बच्चा उनको नहीं दे पाया तो वह रोने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को देने के लिए परेशान बच्चा हिमंता विश्व शर्मा को तस्वीर देना चाहता था, लेकिन बाद में विपक्ष के नेता अमर बावरी ने उनको दिलासा दिलाया, तब बच्चा जाकर शांत हुआ। नहीं लिए तो किसको दोगे? किसको दोगे? अभी हम पहुंचा नहीं। किसको दोगे? किसे मिलवा दे? किसे मिलवा दे? तंग मत करो, मत रुला। बाबू पहले से जानते थे मंदिर में प्रसाद करो, जानते हैं। अभी बहुत कराना चाहिए। नहीं लिए तो किसको दोगे? किसको दोगे? अभी हम पहुंचा नहीं। किसको दोगे? किसे मिलवा दे? किसे मिलवा दे? तंग मत करो, मत रुला। बाबू पहले से जानते थे मंदिर में प्रसाद करो, जानते हैं। अभी बहुत रो रहा है, एक घंटा से बच्चा रो रहा है। हिमंता विश्व शर्मा को देगा हिमंता से मिलने के लिए। फोन नंबर ले लो, फोन नंबर मोदी जी को देने वाला था, तो बोला कि हिमंता को लिखा हुआ है। फोटो फोटो करवा देना भैया, एक फोटो करा दे। फोटो करा, फोटो करा। बाबू इधर घूमो, आ जाओ, दे दो दे दो दे दो, सर को दे दो, चल जाएगा चल जाएगा। आ जाओ अमर भैया, पैसे ले जाएंगे। अच्छा हमको दे दीजिए। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।